आज मैं आपको दीपावली के उपलक्ष्य में शुभ दीपावली का तोरण बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पेपर पर ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है। इसे फोल्ड करके यहाँ से इस तरह से कट कर लिया, फिर ये हमें इस तरह का मिल गया। ये कट करने के बाद फिर मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर रख के इसे ड्रॉ करके ऐसे 6 पीसेस रेडी किए हैं। इसे करने के लिए यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे और हमारे ये पीसेस रेडी हो जाएंगे। ये कट कर लिया है मैंने और ऐसे 6 पीसेस हम रेडी कट कर लेंगे। और इसके ऊपर हम करेंगे रेड एक्रेलिक कलर। इसी तरह से जैसे मैं इस पे कलर कर रही हूँ, पूरे 6 पीसेस पे हम कर लेंगे कलर रेड। ये मैंने सभी पीसेस पे कलर कर दिया है। अब इसके बाद मैंने ये ली है इस तरह की डोरी और इसको हम इसके साइड में लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। इसी तरह से लगाते हुए सभी तरफ से हम इसको पूरा लगा देंगे। ये देखिए, ये चारों तरफ से मैंने इसे लगा दिया है। इसी तरह से अब हम 6 पीसेस पे सब पे ये लगा देंगे। इसके बाद इसके अंदर लिखेंगे हम शुभ दीपावली। एक एक शब्द लिखेंगे एक पीस के अंदर। तो इसके ऊपर मैं लिखूंगी पा। ये लिया मैंने इस तरह की चेन, इसको इसके ऊपर इस तरह से लिखते जाएंगे। यहाँ से कट कर दूंगी। यहाँ से कट कर दिया है। अब ये इसको यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये बन गया पर। यहाँ से कट करके फिर यहाँ से लाइन लगाएंगे और ऊपर लाइन लगाएंगे। इसी तरह से हम सभी अक्षर एक एक पीस कार्डबोर्ड पीस पे एक एक अक्षर लिखकर शुभ दीपावली इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से सभी शब्द लिखने के बाद जो ये साइड का स्पेस है, यहाँ इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने वाइट स्पार्कल शीट ली है और उसकी इस तरह से पंचिंग निकाल ली है मैंने। अब इसे यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे रखकर। इस तरह से यहाँ पर ये लगा देंगे और यहाँ पर रखूँगी मैं ये मिरर लगाऊँगी और इस तरह से हमारे ये डेकोरेट हो जाएगा। इसी तरह से सभी को हम डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए, इन सब पे मैंने ये शुभ दीपावली लिख दिया है और साथ में इससे डेकोरेट भी कर दिया है। अब मैंने एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली है और उसके ऊपर ये मैंने कपड़ा चढ़ा दिया है। ये इसके ऊपर
इस तरह से लगाएंगे इसको। यही है, इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर, इसे यहाँ पर लगाएंगे फेविकोल और इसको पेस्ट कर देंगे। ये सब पेस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर जो बीच में और आगे पीछे जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए मैंने ये टैसल्स बनाए हैं। इसको बनाने के लिए ये मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है और ऐसा एक कार्डबोर्ड पीस लिया है, इसके ऊपर इसको रोल करेंगे। इस तरह से इसको करते जाएंगे, काफ़ी सारा थ्रेड इस तरह से करते हुए चढ़ा लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ये बहुत सारा मैंने कर दिया है। अब इसके इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब दोनों को इक्वल करके यहाँ से ऊपर से फोल्ड कर देंगे और इसे बांध देंगे। इस तरह से ये टैसल्स रेडी हो जाएंगे। नीचे से इक्वल कर देंगे इसको। अब इसे हम लगाएंगे यहाँ पर। और इसके ऊपर मैं ये गणेश जी लगाने वाली हूँ। एक इस साइड लगाएंगे। इसके ऊपर मैं ये मिरर लगाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा तोरण रेडी हो गया है। अब इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगाकर हम डोर के ऊपर इसे लगा सकते हैं।